बहनों, हमें आज सीखना है ह और छोटी ई की मात्रा। ओए पंडित, खाने में इतनी देर? बस थोड़ी देर और दर्शन, अभी ताजी सब्जी बनी जाती है भाई। आज खाना है इतनी जल्दी कीवे खत्म हो गया? अरे वो अपना यार रहीम है ना, उसके यहाँ बेटी हुई है, बस इसी खुशी में सबको मुफ्त खाना खिला दिया। यार दर्शन, एक काम कर, जब तक मैं खाना बनाऊं तू अपनी राम कहानी सुना दे। कोई टैक्स है मुझ पर? अरे कैसा दोस्त है रे तू, तेरी वजह से ही बस यहाँ घर बैठे भारत दर्शन हो जाते हैं। इस बार भोपाल गया सी, मध्य प्रदेश की राजधानी। क्या देखा वहाँ? ओए पंडा, टिकट देना पड़ेगा अगली बार। अच्छा भाई, दे दूंगा, सुना तो। भोपाल में दो बड़ी चीले हैं, ऊपर की चील और नीचे की चील 6 किलोमीटर में फैली है। उस पर एक पुल भी है, दो पहाड़ियां भी हैं, शिमला हिल और ईदगाह हिल। वहां से भोपाल बड़ा सुंदर लगता है जी। निचली झील के पास बड़े सुंदर पार्क है, गए ताजुल मस्जिद देखी। पूरी बनी नहीं है जी, मगर कमाल की चीज है। गुलाबी रंग की मस्जिद अगर पूरी हो जाती तो हमारे देश की सबसे बड़ी मस्जिद होती पंडित। अच्छा पंडित, पहाड़ी पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखा और देखे गैस के शिकार लोग की, बहुत दिल दुखी हुआ उनकी दशा देखकर। ओहो, भोपाल शहर दो बड़ी झीलों के पास बसा है। पूरा शहर ऊंचा नीचा सा बसा हुआ है, छोटी छोटी पहाड़ियों पर। झील का सौंदर्य शाम को और भी मोहक लगता है। शहर के बीचों बीच बनी हुई जामा मस्जिद और पहाड़ी पर बना हुआ लक्ष्मी नारायण मंदिर दोनों ही बहुत सुंदर हैं और भोपाल की वैभव्य को बढ़ाते हैं। अच्छा देखो, ये एक हाथ इस तरह रखा और फिर दूसरा हाथ उसके साथ, ये बन गया अक्षर ह। हाथ ह, नमस्ते जी। लो, मैं फिर आ गई। तुम लोग भी मुझसे परेशान हो गई होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि जब मैं नहीं आऊंगी तो तुम मुझे याद करोगी, बहुत याद। ना, बातें कम काम ज्यादा। तो सुनो, आज हम लिखते हैं अक्षर ह। ये छोटा डंडा, घूमी हुई लकीर और ये आधा उल्टा गोला, बस ये बन गया अक्षर ह। हा, 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 हा। एक बार फिर देखो, बड़ी की मात्रा तो तुम्हें याद ही होगी,
बड़ी सुई चुभने से बड़ी चीख निकलती है और छोटी सुई से छोटी चीख। बड़ी ई की मात्रा बड़ी चीख, छोटी ई की मात्रा छोटी चीख। बड़ी ई की मात्रा को यूं मोड़ दे तो बन जाती है छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में उल्टा चांद पहले और डंडा बाद में, छोटी ई की मात्रा में डंडा पहले उल्टा चांद बाद में। अच्छा बहनों, अब हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। भई मात्रा लिखना तो बहुत ही आसान है, पहले भी बताया था ना, घबराना कभी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है ये मात्रा। और हमारी पढ़ाई लिखाई में ये मात्राएं बहुत जरूरी है। अगर हम मात्रा लिखना भूल जाए ना तो शब्द ही बिगड़ जाए। तो देखो छोटी ई की मात्रा कैसे लिखते हैं। पहले एक खड़ा डंडा, उल्टा आधा गोला, पूरा नहीं, फिर वही छत वाली लकीर। एक बार फिर देखो, बस छोटी ई की मात्रा बन गई। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। तुम लोग तैयार रहना, कहीं मेरे आने के वक्त पर कुछ और करने बैठ जाओ। हाँ मैं चली। ये लिखा मैंने स, क्या है स, इसमें लगाई छोटी ई की मात्रा है। ये देखो छोटी ई की मात्रा है ना, क्या बना भी है सी। सी। ये हुआ प, क्या हुआ सा। इसमें देखो ये एक डंडा सामने खींच लिया, आप बताओ क्या बना ये सिपा। अब इसमें ह लिखती हूँ, इसमें लगाई बड़ी की मात्रा, अब बताओ क्या बना सिपाही। सिपाही नीतू जरा आके लिखो यहाँ बोर्ड पे, चलो लिखो। आ, आ, क्या लगाया तुमने बड़ी की मात्रा ना, बड़ी ही नहीं इसमें लगेगा, देखो क्या लिखा है मैंने। हाँ पा ही, हाँ सिपाही, अच्छा लगा। चलो समझ में आ गया, सबों ने अपने अपने स्लेट में लिखा। अब सारे कल मुझे लिखकर बताएंगे, कोई ना भूले। हाँ अच्छा। सुधा तुम पढ़ाती रहो, मैं भी आई। हाँ ठीक है बहन जी। हल, हलवा, हवा, हल, हलवा, हलवाई, ह ल व आ ई, हलवाई। हलवाई कितनी जल्दी जल्दी जलेबी बना रहा है, भाई मुंह में पानी तो नहीं आ गया। ल ई ख न आ, लिखना। किसान,
सिपाही को तो तुम जानती हो ना, ये हमारी रक्षा के लिए होते हैं और देश की भी रक्षा करते हैं। ई स प आ ह ई सिपाही। सारी बात लेकिन हुआ क्या है बहन जी? गांव में दो लाल टोपी वाले आ गए। लाल टोपी वाले? मैं समझी नहीं। सिपाही? सिपाही? ओह, तो क्या हुआ? अरे उन्होंने कुछ कहा तुमसे? ना, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, पर गांव में पुलिस आ रही है क्यों? अरे मौसी, उन्हें कुछ काम होगा। बहन जी, गांव में पुलिस का आना ठीक ना है। मुझे तो सच्ची भाग भालू से भी इतना डरना लगे जितना इन पुलिस वालों से। देखो मौसी, पुलिस वाले जो होते हैं ना, वो सारी जनता की सहायता रक्षा के लिए होते हैं। इनसे डरना थोड़ी चाहिए, ये तो हमारी सहायता करते हैं। पर बहन जी, मेरा पता नहीं क्यों दिल सा कांपने लगे। अच्छा मौसी, एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा भी तो सिपाही है, फौज का सिपाही। कितना नाम है उसका? पूरे गांव की नाक है वो। पर बहन जी, मेरा प्रेम तो हरी टोपी पहरे है, वो तो देश की रक्षा करे। टोपी से क्या होता है मौसी? देखो मैं एक बार बताती हूँ, हम अपना काम करते हैं ना, इसी तरह पुलिस वाले अपना काम करते हैं, और तुम्हारा प्रेम जो है वो फौजी है, वो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और ये पुलिस वाले, ये हमारी रक्षा करते हैं। समझी? अब समझ गई, अब ना डरने की मैं पुलिस वालों से। हा ल हल, हल। हा म हम, हम। हा द हद, हद। श ह द शहद, क छोटी ई की मात्रा, स आ का डंडा, न किसान। हा छोटी ई की मात्रा, स आ का डंडा, ब हिसाब। बहनों, हमारे आज के अक्षर हैं ज और ध। ये धनुष तो तुमने जरूर देखा होगा, पर ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस धनुष को अगर इस तरह मोड़ दें और ये डोरी निकाल दें तो ये बन जाता है अक्षर ध। एक बार फिर से देखो, ये थोड़ा इस तरह मोड़ दें तो इसकी शक्ल बिल्कुल ही अक्षर ध से मिलती जुलती दिखाई देती है। आज तो मुझे बहुत ही देर हो गई। बहनों मुझे माफ करना, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी। हाँ चलो, आज लिखते हैं अक्षर ध। नन्हा सा गोला, आधा गोला, और फिर उसके साथ ही ये आधा गोला यू, फिर खड़ा डंडा, छत वाली लकी। समझ आ गया ना? ये बन गया अक्षर ध। अक्षर ध लिखना तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार फिर देखें। मौसी, काम तो तुम मुझसे बहुत लेती है और मजूरी भी नहीं देती। अच्छा, मुझसे भी काम के पैसे लेगी? बेशरम कहीं की। अरे देख मौसी, काम के पैसे तो सभी लेवे हैं, अगर मैंने मांग लिया तो कौन सा पाप किया? ठीक है, बोल क्या लेगी एक चिट्ठी लिखने का? मौसी का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।
क्या हुआ? यूं। अच्छा बोल, क्या लिखूं मैं चिट्ठी में? पहले तो वही लिख दे जो तू हमेशा लिखती है, मेरे प्रेम बेटे जुग जुग जियो, यही ना? फिर उसकी कुशल मंगल पूछ लीजो और बता भी दीजो, और फिर लिख दे कि बेटा तेरी राह तकते तकते मेरी आंखें दुख गई हैं, कब आवेगा तू? मौसी अब रुक भी जा, इतनी जल्दी मैं कैसे लिखूं, भूल भी जाऊंगी अब मैं। तेरी यही तो खास बात है कि भूलती कुछ ना तू। हाँ अब आगे बोल। और लिख दे बेटा कि इतने दिन से तू ब्याह की बात टाल रहा है, मैं और ना ठहरने की अब, हाँ बतेरा पैसा कमा लिया और नाम भी। मौसी उसने एक और बात भी तो कही थी। हाँ हाँ याद है मुझे। सुन बेटा, जब अपनी बहू को मैं बतेरा प्यार दूंगी, अरे कलेजे से लगा के रखूंगी उसे, तो मुझे क्यों दुख देगी? अच्छा मौसी एक बात पूछूं? अरे तू एक क्या दस पूछ। मौसी मैंने मैंने तुझे कभी कोई दुख तो नहीं दिया? ये जो समंदर पर चलता हुआ जहाज देख रही हो ना, देखो देखो जहाज का अगला हिस्सा बिल्कुल अक्षर ज से मिलता जुलता है। एक बार फिर देखो, ये जहाज के आगे का हिस्सा लगता है अक्षर ज। आसान है ना अक्षर ज को याद रखना? ज जहाज। लो मैं फिर आ गई। भई मुझे तो तुम लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। लिखने के साथ साथ तुम लोगों के साथ बातें करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा तो आज हम लिखते हैं अक्षर ज। अरे ओ भीषण, आया भाई। तुम्हारी चिट्ठी आई है भाई। ओ रहीम भाई, कहाँ से आई है चिट्ठी? गोवर्धनपुर से है, जरूर तुम्हारी समधी की होगी। उन्हीं की होगी। देखो भाई ये चिट्ठी मैं सुधा से ना पढ़वा सकूं, तुम ही पढ़ दो। हाँ। क्या लिखा है? प्रिय समधी जी नमस्कार, आशा है आपके यहाँ सब कुशल मंगल होगा। ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने ब्याह की तारीख वही रखी है जो हमने कहलवाई थी। शादी ब्याह दो घरों का केवल मेल ही नहीं है, इससे भी कुछ अधिक है। इसमें नाम और मान दोनों बढ़ते हैं। अभी हमारे गांव की दो लड़कियां ब्याह कर आईं, ऐसा अच्छा लेन देन हुआ कि आसपास के गांव तक में वाह वाह हो रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है, पर इतनी आशा जरूर करते हैं कि आप अपने और हमारे मान सम्मान का ध्यान जरूर रखेंगे। थोड़े लिखे को बहुत समझना, आपका शुभचिंतक फूलचंद। इसका क्या मतलब हुआ रहीम भाई? बात सीधी सच्ची कहूं या घुमा फिरा कर? सीधी सच्ची कहो मेरे भाई। उनकी नियत में खोट है, उन्हें दहेज चाहिए। लेकिन हमने तो पहले ही कहलवा दिया था कि हमारे पास बस लड़की है पढ़ी लिखी। अगर वो उस वक्त मांगते तो ब्याह की बात पक्की ही क्यों होती? हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन आप इसीलिए तो वो अब मांग रहे हैं कि आप पर दबाव पड़े। ये तो बड़ा अनर्थ है रहीम भाई। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, मैं चिट्ठी बांटने जा रहा हूँ,
सरपंच जी और उस्तानी जी और कुछ और लोगों को भेजता जाऊंगा। मैं भी चिट्ठी बांटते ही आ जाऊंगा, सब मिलकर सोचेंगे। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा भाई। कैसी बातें करते हो, सुधा तुम्हारी ही नहीं पूरे गांव की बेटी है। चिंता मत करना, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूं। ध न धन, ध आ न धान, धान। ध म क ई धमकी। बारिश होने के बाद ये सात रंगों की धनक कितनी सुंदर दिखाई पड़ती है। ये है धनक। ध न क धनक। शादी ब्याह में बाजे बजते हुए तो जरूर देखे होंगे। ब आ ज आ बाजा। ज आ ल जाल, जाल। मेरे विचार में तो घबराने की कोई बात नहीं है। गांवों में तो ऐसी होड़ होती ही रहती है। मासरानी जी आप क्या कह रहे हैं? मेरे विचार से तो ये खुली धमकी है, उन्होंने साफ दहेज की मांग की है। बेटी इसमें क्या मांगा है उन्होंने, कुछ मुझे भी तो बता। चाचा अगर वो एक दो चीजों की नाम लेकर मांग करते तब भी उनकी मांग सीमित होती, लेकिन इस तरह तो आप कुछ भी दे उनका मुंह तो खुला का खुला ही रहेगा। लेकिन अब हो भी क्या सके है, जब लगन चला गया तो बेटी पराई हो गई। कैसे हो गई बेटी पराई? आप लोग सब कुछ जानते बूझते सुधा को उन भूखे भेड़ियों के आगे छोड़ देंगे? मैं तो कहती हूँ तोड़ दीजिए ये रिश्ता, अभी वहाँ किसी को भिजवाइए और कहलवा दीजिए कि हमें नहीं करना है ये ब्याह। नया खून गर्म होता है बेटी, ठंडा करके खाने की आदत डालो। शादी ब्याह तो संजोग की बात है बेटे, जहां तक हो सके बात को निभाना चाहिए। तुम क्या कहते हो बिशन? मेरे लिए पंच परमेश्वर हैं, जैसा वे कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो सुधा को देने के लिए तुमने क्या सोचा है? जो मेरे बस में है वो तो मैं करूंगा ही, भगवान की कृपा से फसल भी अच्छी हुई है। लेकिन सुधा ने जो कहलवाया था वो भी याद है? वो क्या था? मैं बताती हूँ, सुधा ने सिर्फ एक बात कही थी, कहा पिताजी को पूरा अधिकार है कि वो मेरी शादी कहीं भी कर दे, बस ऐसी जगह ना करें जहाँ से दहेज की मांग हो। मांग तो बेटा इस चिट्ठी में भी नहीं है। चाचा आप मांग कहते हैं, ये तो खुली धमकी है, हम अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मेरे लिए क्या आदेश है? पूरी पंचायत विचार करेगी इस पर, जो कुछ भी होगा हम तुम्हारे साथ हैं। बात अगर बारात के मान सम्मान की है तो सारा गांव उनके लिए बिछ जाएगा, मगर हाँ अगर उन्होंने बात इससे और आगे बढ़ाई तो फिर हम सोचेंगे। जा ल जल, ज आ का डंडा, ल जाल, ब आ का डंडा, ज आ का डंडा, बाजा, ज ह आ का डंडा, ज जहाज, द ह ये, ज दहेज, ध न धन, ध आ का डंडा, न धान, ध न का धनक, ध म का
बड़ी की मात्रा धमकी। चलते जाना है।